सभी को नमस्कार। आज फिर हम आप सबके सामने केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी पीजीटी के मॉक इंटरव्यू को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ पैनल में हैं धर्मनारायण सर, ज्योति शर्मा मैम, विजेता मैम, सोनिया बेनीवाल मैम और रश्मि मैम के भी शीघ्र ही जुड़ेंगे। आज हम जिनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं मैम हैं मोनिका शर्मा मैम। टीजीटी हिंदी के लिए हम मैम का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल मैम के लिए कि मैम अपने विषय में बताएं। धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम मोनिका है। मैं दिल्ली निवास स्थान की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अजीत सिंह है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती दयावंती। मेरी जो शिक्षा है वो 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड से हुई है। मेरी स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। मेरी बीएड और स्नातकोत्तर महादयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हुई है। जो सर मेरी रुचि है वो डिजाइनिंग और क्राफ्टिंग है। मुझ में सकारात्मकता जो है, मैं आत्मविश्वासी हूँ और जो मेरी कमजोरी है, मैं थोड़ी संवेदनशील हूँ। और आने वाले मेरा जो मेन उद्देश्य है वो केवी में टीचर बनना है। और आगे वाला गोल मेरा जो है वो है, मैं केवी में ही किसी उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दूँ। सर ये मेरा रुचि है। जी मैम, आपने बताया कि आप आत्मविश्वासी हैं, संवेदनशील हैं। जी सर, आप कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जब आपको ऐसा लगा कि आप में बहुत सारा आत्मविश्वास है, जब आपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। कभी कभी ये होता है कि जब हमें चीजें आती हैं तो हमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो कई बार ये होता है कि कई चीजें आते हुए और वही चीज हमारे सामने आ जाती है, तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी फील करती हूँ। हाँ, ये चीज मुझे आती है। जी सर, जी मैम, और संवेदनशीलता आपने बताई आप में है, ऐसा कोई एक उदाहरण जब आपको लगा कि मैं संवेदनशील हूँ। कई बार ये होता है कि दूसरों को दुखी देखकर मुझे भी, मैं भी भावुक हो जाती हूँ और वही संवेदना मैं भी महसूस करती हूँ। तो तब मुझे लगता है कि मुझे वहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन संवेदनशील एक स्वाभाविक रूप है, तो वो मेरी कमजोरी भी है और उसको मैं सकारात्मक भी बोलूंगी। बहुत बढ़िया, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय का जिक्र किया। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी एक ऐसे प्रसिद्ध हस्ती का नाम बताएंगे जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की? जी, लेखिका मनु भंडारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस से अपनी उसमें शिक्षिका रही हैं वो। लेखिका मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास बता पाएंगे आप? जी कोई बात नहीं। धर्म नारायण सर, हाँ जी मैडम, नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार सर। अब हमें तो प्रश्न पूछना है, तो बहुत छोटे से प्रश्न से शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सर्वमान्य काल विभाजन क्या है, जिसको जिस पर राम लगभग सभी लोग सहमत हैं। जी सर, सर रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वमान्य है, जिसमें उन्होंने आदिकाल को 1050 से 1375, जिसको वीरगाथा काल कहा है, और भक्ति काल को 1375 से 1700, रीति काल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना है। जी, अभी आपने 4 काल बताए हिंदी साहित्य के। अभी इसमें जी सर, जो आदिकाल है, उसको शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? शुक्ल जी का दिया हुआ नाम क्या है आदिकाल के लिए? वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम क्यों दिया और इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? सर आचार्य शुक्ल जी शुक्ल ने का इसको वीरगाथा का जी बताएं। जी,
सर, आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल, इसकी 12 प्रमाणिक 12 रासों काव्यों के ऊपर इसको वीरगाथा काल कहा है। किसी रासों काव्य का नाम बताएंगे, किसी एक रासों काव्य का? सर, जैसे हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है जी। जी सर जी, विजेता मैम। हाँ, मेरी आवाज आपके हो गए ना सर प्रश्न? हाँ, एक और प्रश्न। जी, 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 ये एक दोहे सा चलता है, बहुत प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सब दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। इसका अर्थ करके बताएं। मैं दोबारा पढ़ दूं, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सब दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। विजेता मैडम। जी मैम, जी मैंने परिचय में बताते समय मैंने बताया कि हमारे साथ धर्म नारायण सर जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं सभी व्यूअर्स को कि धर्म नारायण सर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेता मैम, आपका। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद धर्म नारायण सर। मोनिका मैम, आप मुझे अपने स्नातक के प्रश्न पत्रों के नाम और स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्रों के नाम बता दीजिए। जी मैम, मेरे स्नातक में इंग्लिश, हिंदी और हिंदी डिसिप्लिन, साथ ही न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब मेरे फर्स्ट ईयर में रहे हैं। सेकंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स रहा है, और तीसरे वर्ष में भी मेरे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी एजुकेशन, हिंदी डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन रहा है। जी, और स्नातकोत्तर में? स्नातकोत्तर में मैम, प्रथम वर्ष में जो मेरे रहे हैं वो है आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक गद्य विकास, आधुनिक गद्य विकास का साहित्य, और भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, और प्रमुख कवि जो रहे हैं कबीरदास रहे हैं। और द्वितीय वर्ष में जो रहे हैं वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। भारतीय पाश्च्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, हाँ। और नाटक एवं रंगमंच, और प्रमुख कवि प्रेमचंद रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, आपने सभी याद कर रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अभी आपका जो बायोडाटा पढ़ा स्ववृत्त, जिसमें आपने लिखा है कि समावेशी शिक्षा का आपने उसमें जिक्र किया है, आपको आनंद आता है ऐसी कक्षाओं में, आप मुझे समावेशी शिक्षा क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी मैम, समावेशी विद्यालयों में बहुत विविधता पाई जाती है, उसमें अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, जैसे जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे भी होते हैं जो थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, या किसी को की कोई भी डिसेबिलिटी होती है, वो बच्चे भी समावेशी शिक्षा में इंक्लूड होते हैं। तो समावेशी वातावरण में मैम सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, ना कि उनको ये महसूस हो कि मैं इनसे अलग हूँ। तो सबसे अच्छी बात समावेशी विद्यालयों की यही है कि सब बच्चों में एकता रखता है और सभी बच्चों में पढ़ने की रुचि को जगाता है। कौन से होते हैं ये समावेशी विद्यालय? मैम, जिसमें सामान्य और असामान्य बच्चे दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसका कुछ नाम, कहीं समावेशी विद्यालय आपने कहा, कोई एकाध समावेशी विद्यालय का नाम बताइए। जैसे केवीएस में भी समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी विद्यालय ही कहे जाते हैं, और जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो भी आजकल केवी में भी आने लगे हैं इससे। बिल्कुल, लेकिन सभी, ज्यादातर सभी विद्यालयों में यही प्रयास किया जाता है कि समावेशी शिक्षा का वातावरण प्रदान किया जाए।
बस सर आगे जी, रश्मि मैम जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मोनिका मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आप अपने नाम का अर्थ बताएं कृपया। जी मैम, मैम मोनिका का अर्थ है वकील या सलाहकार। जी सलाहकार मतलब अगर जैसे बच्चों के सामने अगर आपको अपने नाम का अर्थ बताना हो, किसी दिन आप कक्षा में सारे बच्चों का नाम का अर्थ पूछ रही हो, उस समय सलाहकार की परिभाषा आप बच्चों को क्या देंगे, किस तरह से आप अपने नाम को जस्टिफाई करेंगे? मैम जैसे कक्षा में कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ शांत होते हैं, तो शांत बच्चे अगर मैं अपने नाम को कहूं कि कैसे सलाह दोगे, सलाहकार कैसे होते हैं, तो शांत बच्चे जैसे जो शरारती बच्चे होते हैं उनको ये कहे कि तुम भी इतना शरारती ना होकर थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो ताकि हम सब एक साथ पढ़ पाए, तो ये उन बच्चों को सलाह हो जाएगी जो एक सलाहकार के रूप में काम करेगी। बहुत बढ़िया। एक शब्द होता है संकर, है ना, एक होता है शंकर। शंकर तो हम सब जानते हैं, संकर शब्द का अर्थ बताइए। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें दो भाषाओं का समावेश होता है, जैसे मैम रेलगाड़ी, रेल हिंदी का शब्द है नहीं जी। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि ये तो आपने हिंदी को ध्यान में रखते हुए या व्याकरण को ध्यान में रखते हुए बताया है, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आप संकर का कोई एक उदाहरण बताइए जो हम अपने आसपास चीजें देखते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा रेल किस भाषा का शब्द है, गाड़ी किस भाषा का शब्द है, नहीं समझ में आ रहा उन्हें, तो आप आसपास जो उनके कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम आसपास अपने देखते हैं घर के आसपास, सुबह घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो रास्ते में चीजें दिखती हैं, तो कोई दो उदाहरण मुझे ऐसे बताइए जिससे आप संकर शब्द को जस्टिफाई कर पाए, बच्चों को समझा पाए कि ये संकर होता है। मैम यही कि संकरित, संक्रमित शब्द होते हैं, उसी के बारे में ना? नहीं कोई उदाहरण, जैसे संज्ञा के उदाहरण हैं आप मतलब मोनिका, रश्मि ये सब, है ना, वैसे ही संकर का ऐसे सामने वो संज्ञा में बताइए कि बच्चों को हम कोई एक प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है उसका, संकर का। मोनिका मैम आपके उत्तर का इंतजार कर रही हैं। सॉरी मैम मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं, इसका अर्थ बताएं। मैम ये कि ये एक लंबे समय के बाद भी अच्छे दिन आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक होता है रमता जोगी बहता पानी, ये भी एक लोकोक्ति है, बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, रमता जोगी बहता पानी। आगे आगे अगला सवाल में जी
क्लास दसवीं में एक ग्रामर में है, वो जो लेखन का भाग है उसमें विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन से संबंधित आपको जो भी पता हो आप बताइए। कक्षा दसवीं में जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां दसवीं कक्षा के बच्चों को आपको विज्ञापन भी पढ़ाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में बताएं। एडवर्टाइजमेंट के आप मतलब दो पर्यायवाची, दो मिलते जुलते शब्द बता दें इंग्लिश में हिंदी में। मैम विज्ञापन ये होता है जब हमें किसी वस्तु विशेष को रुचिकर दिखाना होता है तो उसके लिए हम विज्ञापन रखते हैं, या उसके बारे में सूचना देनी होती है ना। जी मैम, सर्वसाधारण को जब हम सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, तो जिस माध्यम से देते हैं या तो उसको विज्ञापन कहते हैं। उससे दो मिलते जुलते शब्द विज्ञापन से किसी भी भाषा में। जैसे अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट हो गया, वैसे ही हिंदी में और भी शब्द हैं इसके लिए। जी मैम, पैम्पलेट्स हो गया जी, कोई होल्डिंग्स हो गए, कोई बात जी। एक बार दोहराइए प्लीज। मैम होल्डिंग्स हो गए जो हम बैनर्स लगाते हैं किसी वस्तु विशेष को प्रचार करने के लिए लगाते हैं। जी 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 ठीक है। घनश्याम सर। जी जी मैम। जी ज्योति शर्मा मैम। सबसे पहले नमस्कार मोनिका मैम। नमस्ते मैम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी साइकोलॉजी के, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए मुझे पेडागोजी शब्द का क्या अर्थ है। मैम शिक्षण को आसान बनाने के लिए और बच्चों को समझने के लिए हम जो शिक्षण करते हैं वो शिक्षण शास्त्र है। ओके ठीक है। तो आपने पियाजे के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मुझे पियाजे की जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, उनके बारे में मुझे संक्षेप में आप बताइए। जी मैम, पियाजे की चार स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल। सॉरी मैम, पियाजे की चार स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। फॉर्मल ओके। जो आपने बात किया था स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल, ये जो स्टेज है वो किस एज से किस एज तक के बच्चों के लिए होती है। मैम ये 7 से 12 साल के बच्चों में होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट की, पुनर्बलन की, ठीक है, तो ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जिस का नाम आता है, उन्होंने हमें दिया था क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। आप बता सकते हैं कि ये जो सिद्धांत था हमें किसने दिया था, किसके द्वारा हमें दिया गया है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जी मैम ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। ओके स्किनर। और नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि हम छात्रों को रेनफोर्समेंट के थ्रू किस तरीके से सीखने में ये हेल्प करता है, पुनर्बलन किस तरीके से कक्षा में छात्रों के सीखने में मदद करता है, या उस उनकी सीखने को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं इसके द्वारा, कुछ एग्जांपल आप। जी मैम, रेनफोर्समेंट में ये होता है जब बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो हम उसे एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब उसको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हम बोल सकते हैं कि बेटा अगर तुम इस क्वेश्चन को याद करोगे तो फिर अगला टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फिर वो बाद में पता चलेगा जब तुम ये कंप्लीट कर लोगे। तो ये एक सकारात्मक रेनफोर्समेंट होगा जिससे बच्चा नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए उत्सुक होगा और उसको अच्छे से कर पाएगा। जी बिल्कुल ठीक। अगर मैं जैसे कि जो हमारी बच्चे होते हैं किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में बात करती हूँ,
तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार, आप दो या तीन समस्याओं के बारे में बताइए। जी मैम, मैम किशोर अवस्था जो है वो तूफान की अवस्था कहा गया है, स्टेनले होल ने कहा है, और इसमें बच्चे क्या होता है कि अपने भावों को दूसरों को नहीं बता पाते हैं, वो एक संशय में रहते हैं कि मैं सच में मैं सब कुछ जानता हूं कि नहीं, क्योंकि कई बार उसको ये फील होता है कि वह बड़ा हो चुका है, और फिर जब वह अपने हक से काम करता है तो उसको ये पता चलता है कि नहीं अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो ये असमंजस की स्थिति होती है। जी, तो जैसा कि आपने बताया जी एस हॉल, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप मुझे बताइए, ये क्या होता है संज्ञानात्मक मानसिक? जी मैम, मैम जब हम कोई काम अपने मानसिक स्तर से करते हैं वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, जिसमें हमारा जो मानसिक स्तर है वो उसका विकास होता है। ओके, मानसिक संक्रियाएं, ठीक है। सीखने में अभिप्रेरणा मोटिवेशन किस प्रकार से सहायता करता है? सीखने में मोटिवेशन या अभिप्रेरणा किस प्रकार से सहायता करता है? जी मैम, मैम जब हम किसी काम को बार बार किसी काम को जब हम प्रयास करते हैं तो उस काम को करने में हमें रुचि उत्पन्न होती है, तो उस काम को करने से वो बार बार सीखने से अधिगम बढ़ता है। तो जैसे थॉर्नडाइक ने बताया है अपने उसमें इसको सीखने का अधिगम, तो उसमें मैम ये आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, इसमें क्या अंतर है, एक या दो पॉइंट आप मुझे बता सकते हो? मैम जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ओके सर, कंसर्न सर। जी मैम, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा आज हमारा जो साक्षात्कार है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी थोड़ा तेज हो जाएगा ये। आप भी अगर साक्षात्कार देना चाह रहे हैं तो आप भी दिए गए नंबरों पर, जो कि आपको नीचे मिल जाएंगे नंबर यहीं पर, वहां पे अपना बायोडाटा आप भेज देंगे, संपर्क कर लेंगे, ये सब कुछ फ्री है। मैम आप फिल्में देखते हैं? मोनिका शर्मा मैम। सर बहुत कम देखते हैं आप फिल्में। अगर आपको बच्चों को कोई दो फिल्में रिकमेंड करनी हो कि बेटा ये फिल्में देखना, तो कौन सी फिल्में आप उनको बताएंगे कि देखिए? कोई दो फिल्में। सर मैं उनको थ्री इडियट्स देखने के लिए बोलूंगी, भारत की, और भारत की पहली फिल्म कौन सी है? सर भारत की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। ये कब बनी? सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1923 या 1928। ये 1913 में बनी। मैं सभी व्यूअर्स को एक बार बता देता हूं कि क्योंकि ऐसा अनुमान है कि पाठ्यक्रम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 11वीं 12वीं अगर आप पीजीटी हैं तो 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम आप तैयार करके जाएंगे, और अगर आप पीजीटी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो 6ठी से 10वीं तक का पाठ्यक्रम आप तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा कोई दो पुस्तकें ऐसे बताइए जो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये पुस्तकें तो पढ़ ही लो आप अगले 3-4 साल में। चलो कोई बात, डेमो के लिए तैयार है ना मैम? जी सर। तो पढ़ाई मैम। घनश्याम सर कुछ प्रश्न है एक दो। जी जी अभी और मेरे पास तो
ठीक महसूस कर रही हैं मोनिका मैडम? अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप गंभीर तो हैं ही, क्योंकि आप आई हैं अगर यहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू में, तो आप गंभीर हैं निश्चित ही। बाकी भी काफी अच्छी बातें हैं आप में, तो हम मान ही लेते हैं कि आप एक अच्छी अध्यापिका हैं। आप क्या मानती हैं कि एक अच्छे अध्यापक या अध्यापिका में कौन कौन से गुण जरूरी होने चाहिए? जी सर, सर सर्वप्रथम एक अध्यापक में धैर्य होना चाहिए जी। और उसकी अपने अपने सब्जेक्ट में उसकी गहन समझ होनी चाहिए, ताकि वह बच्चों के साथ गहन समझ होनी चाहिए, और सर साथ ही उसमें एक सार्थक संप्रेषण भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को अध्यापक की बात सरल रूप में समझ आ सके और इससे बच्चों का विकास हो सके। एक आपने शायद नहीं कही ये बात, लेकिन एक बात सभी लोग ज्यादातर कहते हैं कि द टीचर मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सो वुड यू लाइक टू प्लीज say few sentences or few things about the positive attitude. How do you understand positive attitude? जी सर, एक शिक्षा एक शिक्षक में सकारात्मकता होनी चाहिए और साथ ही अनुशासन भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो सिखा सके कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अगर सकारात्मक चीजें होंगी तो अनुशासन भी बना रहेगा और बच्चे मन लगाकर पढ़ पाएंगे। तो आप एक दो पंक्तियों में बताएंगी कि आप केवीएस के लिए परफेक्ट फिट हैं कैसे? आप केवीएस में शिक्षिका बनने के लिए हिंदी टीचर के तौर पर एक परफेक्ट फिट हैं कैसे, आप दो पंक्तियों में बताइए। आपके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि हम मान लें कि आप केबीएस में बहुत बढ़िया से काम करेंगे? जी सर, सर मैं सबसे पहले बच्चों के साथ जुड़ने के लिए उनके परिवेश से परिचित होना चाहूंगी, जिससे मुझे उनके परिवेश के बारे में पता चलेगा और वो उनको मेरे साथ भय महसूस नहीं होगा। मैं उनको अच्छे से जान पाऊंगी तो वो भयमुक्त रहेंगे और मेरे साथ उनकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। और उनके साथ सर एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, वो कुछ सीखता भी है बच्चों से। तो सर मैं समूह चर्चा विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिसमें प्रतिस्पर्धा विधि करूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। आप बोर्ड पर जा रही हैं डेमो टीचिंग के लिए, मतलब डेमो शिक्षण करेंगी वहाँ पर, एक मॉडल टीचिंग करेंगे वहाँ पर। एक छोटा सा काम पहले कर दीजिएगा, मेरे पास तीन शब्द हैं, ग्रह, गृह और धर्म। ये तीन शब्द लिखकर बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि इनको अलग अलग कैसे समझना है, कैसे करना है, ये बात भी समझा दीजिएगा पहले, फिर डेमो टीचिंग कर दीजिएगा वहीं पर। ठीक है जी, थैंक यू सर। अभी डेमो के लिए जाना है, विजेता मैम आप अभी पूछेंगे या डेमो के बाद? जी मोनिका मैम, आप बोर्ड पर पहुंच सकते हैं और सर ने जो तीन शब्द दिए हैं आपको, आप उन्हीं से शुरू कीजिए, फिर मैं अपना प्रश्न उसी में जो है जारी रखूंगी। जी मैम। ग्रह और ग्रह और धर्म, ये तीन चीज जो है वो सबसे पहले हम ग्रह के बारे में जानेंगे कि ग्रह क्या है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? एक ग्रह है जहां हम रह रहे हैं। और जो पृथ्वी पर जहां हम अभी रह रहे हैं अपने घर में, उसको हम ग्रह बोलेंगे। और जो हमारा मेन धर्म है जो हम इस पृथ्वी पर करने आए हैं, मतलब हमें जैसे तुम बच्चे हो तुम लोगों को पढ़ना है, जो शिक्षक है उनको बच्चों को पढ़ाना है, साथ में उनके और भी कर्तव्य होते हैं, तो वो उनका धर्म हो जाता है। तो इस प्रकार ग्रह, ग्रह और धर्म, ये हम देखेंगे।
जी, मुझे उम्मीद है सर ने इसमें जो भी कुछ बात रही होगी वो लिख ली होगी। और सर मैं क्या अपना प्रश्न शुरू करूं डेमो से संबंधित? जी मोनिका मैम, आपकी कक्षा में आज आप गए हैं और आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं उस कक्षा में कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, यानी वो देख नहीं सकते हैं। पूरी ही कक्षा में आज आपको व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ाना है। आप व्याकरण का कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए, तैयार किया है? जी मैम। कौन सा? मैम वचन पढ़ाऊंगी मैं। वचन पढ़ाएंगे, ठीक है, वचन पढ़ाइए। बस आप याद रखिए कि आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है। जी मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे वाह, सब बढ़िया है। पढ़ने का मन नहीं है बस, बाकी सब अच्छा है। ओके, आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं और पढ़ने में आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है फिर हम आज, अरे राजू भी आया है आज तो, शाबाश, ऐसे ही डेली आया करो तुम। और रमेश तुम क्या कर रहे हो ये? अच्छा महसूस कर रहे हो क्या लिखा हुआ है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सही है, पढ़ो। चलो आज हम क्या करते हैं, आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है रमेश? तुम भी ध्यान से देना, तुम्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो। तो आज हम पढ़ेंगे वचन, ठीक है? वचन में क्या है कि सब बच्चे अपने अपने पेन पेंसिल निकाल लो, ठीक है? सब निकाल लो, रमेश तुम भी निकालो और दीपक तुम भी निकालो। तुम क्यों नहीं निकाल रहे? तुम भी निकालो, ठीक है? ओके, अब देखो वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सब मैं बोलूंगी कि अपनी एक पेंसिल अपने एक हाथ में ले लो और बाकी के जो तीन चार तुम्हारे पास पेन पेंसिल है वो दूसरे हाथ में ले लो। अरे मैडम, रमेश तुमने लिया? हाँ तुम भी लो। जी सर। अरे वो हमारे पड़ोसिन कह रहे थे कि उनके बहू के वचन ठीक नहीं है। नहीं, वचन वो नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन मतलब एक चीज और अनेक चीज। तो जैसे मेरे हाथ में ये एक पेन है तो ये एक वचन है, और तीन चार पेन मैं अपने दूसरे हाथ में रखती हूँ तो वो बहुवचन है। तो एक और अनेक, इसी को हम एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। समझ आई बात रमेश? तुम्हें समझ में आया? दूसरे हाथ में जो तुम्हारे चार पेन है उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। अरे वाह शाबाश। दीपक तुम बताओ? अच्छा गुड। मैम मुझे भी पूछना है, क्या चार चीज होगी तो चार वचन होगा वो? जी चार चीजें हैं, चार वचन हो, चार वचन नहीं होगा, बहुवचन। एक से ज्यादा चीजें अगर आपके पास है तो उसको हम बहुवचन बोलेंगे। बहुत बढ़िया मैम। मैम मुझे वचन लिखना नहीं आ रहा। वचन लिखना नहीं आ रहा, तो आप सब लोगों ने फिफ्थ क्लास तक वर्ण तो पढ़े होंगे ना सब ने, है ना? वर्ण पढ़े हैं। रमेश तुम कैसे फील करके लिखोगे ब्रेल लिपि से? तुम तो वचन कैसे पढ़ोगे बताओ? जी मैम, हो गया मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने डेमो दिया। बाकी सलाह के जो बिंदु होंगे वो हम अंत में लेंगे। सर घनश्याम सर बहुत अच्छे से बता रहे थे ना, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ही मैंने टोका नहीं, क्योंकि आपका चेहरा इतना सा कट रहा था, तो ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो इस चीज को हमारे जो भी व्यूवर्स हैं सालों साल जो देखेंगे वो तो क्षमा करते हुए चलेंगे। हाँ जी मैम। जी सर, हमें जो डेमो में देखना था हमने वो भी उसका भी निरीक्षण कर लिया, लेकिन मैम अभी आप बैठेंगे नहीं, आपसे दो एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगी छोटे छोटे। सर आ गया है? हाँ जी मैम। जी पीछे जाइएगा मैम, आपका चेहरा कट जाता है। जी धन्यवाद सर। मोनिका मैम मुझे मैम सर वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ दिखाई दिया हाँ मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। बोर्ड से रिलेटेड एक प्रश्न मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दो छोटे प्रश्न है। ये बताइए मैम कि रीति काल में वीर रस के कवि कौन हुए हैं? मैम रीति काल में वीर रस के कवि हुए हैं भूषण।
उनकी कोई एक कविता जो यमक अलंकार से भरी पड़ी है। उसकी एक पंक्ति या दो कुछ आपको याद हो तो। आपको आज कहा गया है कि कल की सुबह प्रार्थना सभा में आपको मोटे अनाज पर एक नुक्कड़ नाटक बच्चों से प्रस्तुत करवाना है। नुक्कड़ नाटक के बारे में आप जानते हैं? जी मैम। और उस नाटक में जो है मोटे अनाज में आपने बाजरा को लिया हुआ है, तो प्रार्थना सभा में एक नुक्कड़ नाटक करवाइए बच्चों से। हम सभी बच्चे हैं और आज छुट्टी होने से पहले हम सब आपको मिल गए हैं, आप हमें बता सकते हैं? मैम अभी हम ग्राउंड में ही हैं सब बच्चे। बिल्कुल, आप बता दीजिए, हम वहीं पहुंच जाएंगे। चलो आज एक नाटक करते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, आज एक नाटक करते हैं और उसमें जो हमारे पास है वो क्या चीज है, वो है बाजरा। बाजरा क्या होता है बताओ? ये कैसा नाटक है? ये नुक्कड़ नाटक है बेटा, नुक्कड़ नाटक जो हम किसी रंगमंच की जरूरत नहीं होती, हम आपस में एक समूह बनाकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओ, हम करेंगे मैम, करेंगे मैम हम। जी चलो फिर सबको मैं नाम दे देती हूँ अलग अलग। तुम राम हो, तुम श्याम हो, ठीक है? तुम कविता हो, तुम गीता हो, ठीक है बच्चो? तो अब चलो मेरे पास क्या है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ तुम लोगों की तरह। मेरे पास है बाजरा। अब कुछ लोग कहेंगे मैम बाजरा क्या होता है? बाजरा होता है मोटा अनाज, सब गेहूं की रोटी खाते हैं ना, ऐसे ही बाजरा भी होता है, बाजरे की भी रोटी बनती है। तो अब तुम यूं करो कि मुझसे बाजरा लेने आओ कि मैम हमें बाजरा दो। तो कैसे लेने आओगे? तो ठीक है, मैं बाजरा बेच रही हूँ और तुम अभिनय करते हुए एक एक करके आओ और फिर उसका मोल भाव करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम नुक्कड़ नाटक करेंगे। ठीक है मैम, बस समझ नहीं आया नुक्कड़ नाटक कैसे, एक्टिंग क्या, पर हम कर लेंगे कल सुबह। जी धन्यवाद मैम। जी आइए मैम, बैठिए। रश्मि मैम, जी सर, मोनिका मैम आप मुझे बोर्ड पर ही दो तीन शब्द हैं मेरे वो लिखकर दिखाएंगी। सबसे पहले आप कवित्री लिखिए, कवि का जो स्त्रीलिंग है। जी मैम। दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा विजुअल नहीं है मैम। ये लाइट आ रही है ना, इस वजह से विजुअल थोड़ा कम है। आप ऐसे ही बता दीजिए मुझे। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। एक पंक्ति है, मैं बोलूंगी आप उसमें अलंकार बताएंगी। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाते हैं, अलंकार बताइए। यमक अलंकार। जी जी वेरी गुड। समस्त पद को पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भी कोई समस्त पद उसको हम पृथक करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? समस्त पद को पृथक करने की क्रिया। जी ठीक है, कोई बात नहीं मैम।
शर्मा सर, अब फिर मैं बाद में जो मुझे फीडबैक देना होगा मैं वो बाद में दूंगी। ज्योति मैम, और अब मैम निषेद आप लोग प्रिया दो दो तीन तीन सवाल पूछकर आप, क्योंकि लंबा काफी लंबा हो गया है। ज्योति मैम, ज्योति शर्मा मैम जी मैम, बैठिए मैम, बैठिए मैम, आइए मैम। ओके जी मोनिका जी, अगर आपकी कक्षा में उच्चारण संबंधी दोष वाला कोई बालक है जो कि क्लियर से नहीं शब्दों को बोल पाते हैं, तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? मैम जो वो शब्द बोल रहा है, जैसे ताल को वो ताल बोल रहा है, तो जैसे वो ताल को ताल बोल रहा है, तो मैं उसको ताल का अर्थ समझाऊंगी और ताल का अर्थ समझाऊंगी, तो वो दोनों में डिफरेंस समझ के वो फिर समझेगा कि ताल ये होता है और ताल ये होता है। जब मुझे ताल बोलता हूँ मैं, तो मुझे ताल बोलना है, तो इस उससे मैं उसके उच्चारण में थोड़ा ठीक कर पाऊंगी। इस तरीके से हम हिंदी शिक्षण में क्या हम ICT का यूज कर सकते हैं? जी मैम कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल आप बताइए, किस तरीके से क्या टॉपिक हम ICT के थ्रू पढ़ा सकते हैं, कोई एक टॉपिक आप लेके बताइए। मैम बच्चे को हम कोई कहानी दिखा सकते हैं जिसमें बच्चे को यह दोष है, उच्चारण का दोष है, तो उसमें बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही है, और वो जैसे वो बोल रहा है तो उसकी चीजों को भी इजीली समझ पाएगा और शायद उससे ज्यादा वो सीखेगा। ठीक है। और ICT का यूज मैं सामान्य रूप से सभी बच्चों के लिए, कोई अगर हमें विषय कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो किस तरीके से हम पढ़ाएंगे? जी मैम कोई हम डॉक्यूमेंट्री मूवी लगा सकते हैं, जब बच्चे को हमें जैसे भारत का इतिहास दिखाना है तो उसमें हम बच्चे को ICT के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखा सकते हैं। ठीक है। ICT बच्चे के सीखने में किस हद तक सहायता करता है, किस हद तक हेल्पफुल रहता है? मैम ICT से ये होता है कि बच्चे के सामने एक उनकी सामान्य रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन होती है और उनको वो जीवंत उदाहरण लगते हैं ICT पे, कि जैसे उनकी स्कूल की लाइफ में भी वही चीजें घटित हो रही है, तो वो उससे अच्छे से रिलेट करके पढ़ पाता है। ओके ठीक है सर। जी मैम बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि अभी हमें जल्दी ही करना है। सोनिया मैम। नमस्कार मोनिका मैम। नमस्कार मैम। मैम मुझे आपसे यह पूछना कि आप इंग्लिश में सामान्य ज्ञान रखती है इंग्लिश का? जी मैम। ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं 5 लाइनों में? जी मैम। जी। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज मोनिका एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। My father name is Mr. Ajit Singh. My mother name is Mrs. Dayavanti. My qualification is 10th and 12th from CBSE board and my graduation from Delhi University and my B.Ed and master's from Maharishi Dayanand University from Rohtak. My hobbies is designing and crafting and my short-term goal is to get this job and my long-term goal is to get in higher post in KVS. It's all about myself, ma'am. Very good, ma'am. Ma'am, एक बात बताइए, आपने अभी नवोदय की परीक्षाएं दी हैं? नहीं ma'am. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप कोई कविता सुना सकती हैं ma'am? जी ma'am, मैंने एक कविता खुद ही लिखी है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया ma'am, सुना दीजिए। जी मैम, ये बेसिकली लड़कियों की शिक्षा के लिए भी है जो उनको अपने जीवन में एक लक्ष्य के लिए अग्रसर करती है, तो मैं सुनाना चाहूंगी।
जिंदगी कुछ यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी कुछ यूं ही गुजर जाएगी, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। बेटियों को पंख देकर कहीं कहें उन्हें कि तुम्हें उड़ना होगा, बेटियों को पंख देकर कहें उन्हें कि तुम्हें उड़ना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित कर खरा उस पर उतरना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जिंदगी की इस राह में, जिंदगी की इस राह में तुम्हें शिखर चढ़ना होगा, करते करते सीख कर उज्जवल भविष्य बुनना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। बहुत सुंदर मैम। मैम एक मेरा प्रश्न है, आप छंद की परिभाषा बता दीजिए। किसी भी वाक्य में लयात्मकता लाने के लिए हम छंदों का प्रयोग करते हैं। ठीक है मैम। मैम हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको कौन सा काल पसंद है? हिंदी साहित्य के इतिहास में मुझे आदिकाल पसंद है। इसका कारण? मैम उसमें हमें विविध साहित्य देखने को मिलते हैं, जैसे जैन साहित्य और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासु काव्य उसमें समाहित है, इसलिए मुझे आदिकाल बहुत पसंद है। जी ठीक है मैम। मैम साइकोलॉजी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है स्कैफोल्डिंग, सुना है आपने? जी मैम। इसके बारे में किसने बात की है? मैम वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात की है। जी क्या अर्थ होता है मैम इसका? मैम इसमें हम बच्चे को उसके उसकी क्षमता से ऊपर एक हल्का सा पुश देते हैं, जिससे बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अगर उसको बीच में कोई बाधा आती है सीखने में, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जी मैम। मेरा अंतिम प्रश्न है मैम कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? दो दो उदाहरण देकर बता दीजिए बस। मैम मुहावरा वो होता है जो जिसमें एक विशेष बात छुपी होती है, और लोकोक्ति ये होता है जो हम सामान्य अर्थों में उसको कह सकते हैं। उदाहरण दे सकते हैं मैम दोनों के? जी मैम। मुहावरे का अर्थ है होता चना बाजे घना, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता कम है लेकिन वह अपनी योग्यता से अधिक बखान कर रहा है। और लोकोक्ति मैम? लोकोक्ति वो होती है जैसे सॉरी मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, धन्यवाद सर। जी मैम। अभी हम सभी अपना जो भी फीडबैक कहना चाहेंगे, तो अब धर्मनारायण सर से शुरू करते हैं। धर्मनारायण सर। हाँ तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर सका, और दूसरा ये कि मैं कुछ बातें बताऊंगा अभी तो कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ थोड़ी कम अच्छी बातें हैं, सलाह है कम अच्छी बात तो नहीं है। दूसरा ये कि इंटरव्यू लेना आसान है और देना मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल होता है। मैंने जो प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों में मैं इस बंधन में आज रहा कि मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि वही प्रश्न पूछूं जो मुझसे पूछे गए थे, तो अपनी स्मृति के दायरे में जितने आए उतने मैंने पूछने की कोशिश की। कुछ जो अच्छी बातें, बहुत अच्छा सा इंटरव्यू दिया, जो अच्छी बातें हैं, सबसे पहली चीज मैडम की आवाज बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी, उसमें कोई भी क्षेत्रीय पुट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी चीजें सब लोग बताएंगे, मैडम पॉजिटिव हैं, ड्रेस अच्छा है, पोस्चर सही है, जेस्चर सही है, स्पष्ट आवाज, फिर से कुछ बातें बार बार हो जाएंगी क्योंकि वो बार बार मैंने लिख रखी है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास की मैडम को ठीक ठाक जानकारी है और ये अच्छी बात है, बहुत से अभ्यर्थी होते हैं उनको TGT के स्तर पर ठीक ठाक जानकारी होती नहीं है, और आवाज से कॉन्फिडेंस झलकता है, आत्मविश्वास है। मैडम अच्छा समझाती हैं,
और उनको भी पता है कि मैं अच्छा समझा ले जाऊंगी। वो समझाने में क्रिएटिव है, सृजनात्मकता है उनमें, और कहीं कहीं पर उसको उन्होंने दिखाया, जिस तरह से मैंने जो शब्द पूछे थे उस समय पर उसको समझाते हुए उन्होंने उसको समझाया, उसको जोड़ा, क्रिएटिविटी को जोड़ा कि कैसे हम एक ही वाक्य में तीन शब्दों को पिरो लें। तो ये सब बातें बहुत अच्छी रही। मैडम का बोर्ड पर पहुंचना, बोर्ड को अप्रोच करना, वहां से आना, कोई दिक्कत नहीं है इन सब बातों में। तो इसके लिए, और जो बेसिक बातें कही उन्होंने कि उनमें संवेदनशीलता है, बिल्कुल सभी में होनी चाहिए। यदि हम संवेदनशील नहीं है तो काम चलेगा नहीं। दूसरी कि कुछ हम लोगों ने विचित्र स्थितियां पैदा की इस इंटरव्यू के दौरान, वहां पर मैडम का सहज रहना ये दिखाता है कि वो मैच्योर हैं, इस पद के लिए भी ठीक ठाक मैच्योर हैं। अब कुछ बातें जो सलाह के तौर पर हैं कि कुछ शब्द क्षेत्रीय दबाव के कारण होते हैं, हालांकि ऐसे शब्दों की संख्या दूसरे अभ्यर्थियों में कहीं ज्यादा रहती है। दो शब्द आए हैं तो मैं बता देता हूँ। तो पूरब वाले कुछ अलग बोलते हैं, पश्चिम वाले अलग बोलते हैं, फिर भी होता यह है कि कुछ सामान्य है, जैसे हम विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे ना, क्योंकि विद्यालय तो आपको बोलना ही पड़ेगा, विद्या से विद्यालय, ये धा का कोई रोल है नहीं। और जैसे हरियाणा और दिल्ली की तरफ स्नातक हो जाता है, स्नातक होता नहीं है, स्नातक होता है, ठीक है। या हो सकता है मैं थोड़ा पूरबपन वाला टोन लेकर बोल दूं, तो आप घनश्याम सर से सुन लीजिएगा, उनका समझ में आ जाएगा। सामान्यतः जब आप शुरू कर रही हैं तो कुछ होते हैं ना तकिया कलाम, वो तकिया कलाम बार बार आ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं माने जाते, बचिए, जो है तो है उसको रख दीजिए। कोशिश करिए जो है को कुछ और शब्द से बदलने की, डेटा भी खत्म होने वाला है तो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मैंने कहा कि हिंदी साहित्य की इतिहास की सामान्य जानकारी है, लेकिन एक किताब रिकमेंड करूंगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसको आप पढ़ लेंगी तो आपकी थोड़ी सी जानकारी जो कहीं कहीं पर लड़खड़ाती है उसको बल मिलेगा। एक बात जो अखरी, मुझे अखरी, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा कड़ा शब्द है अखरी, कि पॉज बहुत ज्यादा है। जब हम पूछ रहे हैं सवाल, आपको नहीं आ रहा है तो वहां बहुत देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, इस पॉज को भरने की कोशिश करिए। कुछ तरीका, आप इतना क्रिएटिव है, कुछ तरीका निकाल लीजिए, उसके आसपास कुछ आ रहा है तो आप अनुमति लेकर उसके आसपास बताइए, नहीं तो आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल बैठ जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ साइकोलॉजी के शब्द पूछे जा रहे थे, कहीं कहीं ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है नहीं, जैसे रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे आप बता रही थी, रीइंफोर्समेंट क्या होता है ये आपने बताया नहीं। हमने जब आपसे कहा कि बोर्ड पर ये शब्द लिखिए, मैडम आप लिखने पर ध्यान दीजिए, आप लिख कुछ नहीं रही हैं, सच में आपने बोर्ड पर एक मुश्किल से शब्द लिखा है कई बार कहे जाने पर, तो पढ़ाते समय बोर्ड पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैं जब आपसे कह रहा था कि ग्रह ग्रह और धर्म लिखिए, तो मेरा ध्यान इस चीज पर था कि आप उनके बीच में जो रा है, ठीक है, रेफ है, और नीचे लगने वाला जो मतलब क्या होता है, अक्षर आधा होता है, रा पूरा होता है वो, और रिर की मात्रा, उनमें जो अंतर है वो विद्यार्थियों को समझा पाए, इसलिए मैंने वो शब्द दिए थे, और कोई भी देगा तो इसीलिए देगा, उनके अर्थ तो सबको आते होते हैं, तो फिर मैं अलग से शब्द देता, ठीक है। तो बोर्ड पर लिखने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, मैडम ने एक आपसे सवाल पूछा नुक्कड़ नाटक वाला, मैडम बताएंगे लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हाँ, उसको ले गई उस तरफ जहां वो मैथ पढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। बच्चे बाजरा खरीदेंगे अगर आपसे तो वो मुद्रा समझेंगे और लेन देन में जोड़ और घटाव समझेंगे, वो नुक्कड़ नाटक कैसे होगा ये थोड़ा मुश्किल काम है। और हालांकि ये सब तुरंत कर पाना कठिन होता है, फिर भी आपने कोशिश की, आपकी कोशिश के लिए पूरी तारीफ है। एक छोटी सी सलाह है ना, प्रश्न कह लीजिए, Why you are not adding poetry recitation in your hobbies? You are just amazing in your poetry. Okay, so please add that also in your hobbies. Okay.
अंग्रेजी में आप अच्छा बोल रही हैं, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे हो सकता है वो यही पूछे अपना परिचय दें। तो हालांकि मुझे भी ज्यादा आती नहीं है, लेकिन देखिए फादर्स नेम अपोस्ट्रोफी वाला यस प्रयोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बस इतना ही मेरी तरफ से, बाकी घनश्याम सर देखिए। धन्यवाद सर, आपने मेरी त्रुटि को बताया, मैं सुधार करने का जरूर प्रयास करूंगी, क्योंकि यही मुझे आगे सफलता की राह पर लेके जाएगा। विजेता मैम जी, धन्यवाद सर, त्रुटि नहीं थी मोनिका मैम, ये हम सीखने के लिए आपके लिए आए हैं, सिखाने के लिए और आप सीखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मन में कुछ भी नकारात्मक विचार नहीं लाना, बहुत अच्छा आपका साक्षात्कार रहा है। मैं कुछ बातें हैं जो बताऊंगी, धर्मनारायण सर ने मेरी 60% जो पॉइंट थे वो बता दिए हैं, तो अब मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ रहा नहीं। धन्यवाद सर। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो आपका डेमो था उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर ने जैसा कि कहा बोर्ड पर लिखना, आपने बच्चों को वचन जब समझा दिया था, आपने उद्देश्य कथन के बाद बोर्ड पर वो लिखा नहीं, आपने कह तो दिया वचन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ही आपने कह दिया वचन पढ़ने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य कथन हो गया, इसको कहते ही आप बोर्ड पर जाएंगे और वहां प्रकरण में लिखेंगे, और बोर्ड पर जब आप प्रकरण लिखेंगे, लिखते वक्त आपको बोलना है, आपने जब ग्रह गृह और धर्म लिखा तो साथ साथ आपको वो बोलना भी था, ठीक है, तो उसके बाद आप फिर बच्चों से आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। चूंकि आप समावेशी शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी कक्षा में इस चीज का बहुत अच्छे से पालन भी करेंगे, और चूंकि मैंने आपसे कहा था दिव्यांग बच्चों की कक्षा है, तो एक बात का याद रखिए, कक्षा में जब वो बच्चे होते हैं तो हमें सामान्य बच्चों को ये नहीं दिखाना कि भाई आप बहुत अच्छे हैं और इनमें कोई कमी है, यानी हमें उनको समान होने का एहसास दिलाना है हर वक्त। ऐसी कक्षा में आप वर्ष भर चुनौतियों का सामना करेंगे, WE की क्लास है, वर्क एक्सपीरियंस की क्लास है ना, खेल की कक्षा है, ऐसे में उन बच्चों को भी आप जो अन्य बच्चे हैं उनका इतना अच्छा दोस्त बना दीजिए, उनकी जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई ये बच्चे भी आपके साथ मुझे हर गतिविधि में दिखाई दें। तो आपने कहा था अच्छा महसूस कर रहे हो, इससे अन्य बच्चों को थोड़ा सा गलत जाएगा, है ना, तो महसूस क्या, आप वचन पढ़ा रहे थे तो उन बच्चों से ही आप प्रश्न कर लेते कुछ भी उस तरह का, आप क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं, तो आप मुझे ये भी पता है कि आप तुरंत ऐसी कोई स्थिति बना लेंगे। जब नुक्कड़ नाटक की बात आई तो सर ने आपको बता ही दिया कि गणित की स्थिति आपने उत्पन्न की, आपको क्या करना था, क्योंकि देखिए हम भाषा शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक को यदि कक्षा में शिक्षण के दौरान थोड़ा, मैंने पहले भी आपने वीडियो सुन रखी होंगी बताया था, उद्यम भी करना पड़े, मतलब बच्चों जैसा आपको बनना पड़े, आप भूल जाइए कि आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या करना था, पहले उन्हें तुरंत ही थोड़ा सा घूम कर अभिनय करके दिखा देना था। जब बच्चे ने कहा मैम नहीं हमें नहीं पता ये नुक्कड़ नाटक क्या होता है ना, सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, घूम के आया है नुक्कड़ नाटक आया है, फिर उसमें से एक बच्चे से बोलवा लेते, घेरे में उन्हें खड़े कर लेते, हाथों से ताली बजवाना, है ना, इस तरह से आपको, क्योंकि बोर्ड पर जो एक डेमो आपने दिया उससे इसमें थोड़ा अंतर था, है ना, प्रार्थना सभा की तैयारी के लिए था, तो प्रयास आपने किया, अच्छा किया, लेकिन अंतर नहीं हम स्थापित कर पाए। आपने परिचय में नाटक के लिए भी कहा था, आपको जब आपने प्रश्न पत्रों के नाम लिए उसमें एक नाटक प्रश्न पत्र का एक जिक्र आया था, मेरा नेटवर्क की दिक्कत थी तो मैं उस प्रश्न पत्र का नाम नहीं ठीक से सुन पाई थी, ठीक है। जब आपसे मैंने पूछा था भूषण की कविता जिसमें यमक अलंकार है, तो आपको जानकारी थी पर कहीं ना कहीं वहां आपने प्रयास नहीं किया, आपको जबकि रश्मि मैम ने पूछा तो आपने तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, तुरंत कह दिया यमक है, अरे भाई ये कविता की जो पंक्तियां हैं, हाँ जी मैम भूषण की ही पंक्ति है ये, उस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हो पाया मैम। आप अब मुस्कुराई है, अब बहुत अच्छी लग रही है, ये बात मैं सबसे कहती हूँ भाई, मुस्कुराइए, फ्री की है ये स्माइल, इसको बांटिए, ठीक है। सूर सूर तुलसी ससी में आपने क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गए थे, ये अच्छा था, सर ने कहा पॉज वाली बात, तो वाकई में लंबा पॉज होने से हो सकता है पैनल आपसे कह दे ठीक है धन्यवाद जाइए, तो आप अपनी पूरी योग्यताएं क्षमताएं बताने का समय या अवसर
खो भी सकती हैं। तो लंबा पॉज यानी 2-3 सेकंड का पॉज ठीक है, यदि पता है तो पैनल को बताइए, सटीक उत्तर दीजिए, नहीं पता तो उन्हें भ्रमित करने का या ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा रिस्क नहीं लेना। सॉरी मैम बोला था, क्षमा कीजिए बोलना है, धन्यवाद बोलना है। शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसे व्यवहार में भी लाइए। और मुहावरे लोकोक्ति में आपने मुहावरे का जो उदाहरण दिया था आप उस पर विचार करें, मैं बस यही कहूंगी, क्योंकि लोकोक्ति में आप चाहती तो पहले शब्द का अर्थ ही बता देती और वो क्लियर हो जाता, तो इस पर व्याकरण में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने स्नातक बोला, सर ने बता दिया है, स्नातक नहीं स्नातक, स्तर। आप चाहे तो फिर से एक बार उच्चारण करके मुझे बता सकती हैं 2-3 शब्दों का। जी मैम, मोनिका मैम, स्नातक। जी मैम, स्नातक। हाँ, तो आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। स पूरा नहीं है, स आधा है, स्नातक। आप जरा मुझे ग्रह और गृह बोलकर बताइए। ग्रह और गृह दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि की मात्रा है, वो जो नीचे चोटी जैसी बनी होती है वो ऋषि की मात्रा है। रे गृह, उच्चारण में ही अंतर है। गृह मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूंगी। तो कर दीजिए, है ना। आपको क्या करना है, आप ऋषि की मात्रा, संयुक्ताक्षर और ऊष्म जो व्यंजन है इनसे बनने वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करके देखिए, कक्षा जैसे, है ना, क्योंकि ये नियमित रूप से आपको मिलने वाले हैं पढ़ाते वक्त। उसके बाद आपके उच्चारण के लिए बता ही दिया। बस सर मेरे इतने ही बिंदु थे सभी। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका मैम आपको। और वाकई में आप सकारात्मक भी हैं, आत्मविश्वासी हैं, संवेदनशील हैं, सृजनात्मक हैं, ये आपको इंटरव्यू में प्लस पॉइंट रहेगा। और 30 का जो इस बार अनुपात रखा गया है, तो साक्षात्कार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार के काफी सारे यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के, वो भी आप देखिए। उस कक्ष में जाना, वहां से आना, ठीक है, उनको बिना, जब तक आप बोर्ड पर गए हैं और लौट के जब आप आएंगे, बिना अनुमति के आपको कुर्सी पर नहीं बैठना, वो खुद ही कहेंगे, जैसे सर ने कहा था आइए बैठिए, तभी बैठना है, ठीक है। बाकी आपका ड्रेस कोड एकदम मर्यादित है, चेहरे पर मुस्कान रखें और घबराना नहीं है, जहां घबराए वहीं थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराहट सारी गलतियां जो है, कुछ जो हम कर रहे होते हैं वो छिप जाती हैं। मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सर। रश्मि मैम। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद विजेता मैम। जैसे कि मोनिका मैम, मैंने आपके नाम का अर्थ पूछा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बच्चों को कैसे जस्टिफाई करेंगे आपने ये भी अच्छे से बताया। और मैंने आपसे विज्ञापन का अर्थ पूछा, है ना, तो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एकदम से हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय बहुत एक लंबा पॉज हुआ। मैं देखो अच्छी बातें सबने बता दी, मैं अच्छी बातें सबसे लास्ट में बताऊंगी, पहले सुन के दुखी हो लीजिए, फिर हम खुश होंगे, है ना। तो जैसे कि विज्ञापन का पूछा, है ना, आप जैसे विज्ञापन को इश्तेहार भी कहते हैं, और थोड़ा सा हम अगर डीप में जाएंगे तो निवेदन, प्रार्थना, समझाना, विज्ञापन का ये भी अर्थ हो जाता है। तो उस समय बहुत लंबा गैप लिया कि कहना पड़ गया कि हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ आप कहिए कि सर माफ कीजिए या क्षमा कीजिए, मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पैनल में, आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने तो कहा था कि सर उन्होंने सवाल पूछा, मेरे को पता नहीं था, 2-3-4 सेकंड का पॉज, मैक्सिमम 5 सेकंड का पॉज, बहुत मैक्सिमम, क्योंकि इतने में ही हमें पता चल जाता है कि हमें ये चीज आती है नहीं आती है। मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लेके बोला, सर मुझे इसका अर्थ पता नहीं है, स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखी, और उसके साथ मैंने एक लाइन और जोड़ दी कि सर अगर आप मुझे इसका अर्थ बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे सीखना है। तो हालांकि वो खुश भी हुए, टेबल पे हाथ भी मारा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है इंतजार करिए, हम बिल्कुल बताएंगे आपको, अंत में बताएंगे। तो जब बिल्कुल मैं निकल रही थी बाहर, तब उन्होंने मुझे मेरे सवाल का उत्तर भी दिया।
और जैसे कि कवित्री लिखा मैम, ये बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है कि हम, मुझे लगता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही हमने सीख लिए थे कि कवित्री कैसे लिखना है। तो जहां तक मैम ने बताया, जो मैम थी उन्होंने मुझे, मेरे को भी हल्का सा ऐसा दिख रहा है कि आपने वहां पे बड़ी की मात्रा चढ़ाई है, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, कवि, वैसे तो हम जब कवि लिखते हैं तब ही छोटी की मात्रा ही आती है वहां पे, ये जो वहां की छोटी मात्रा है ये उतर के यहाँ पे चढ़ जाती है। तो कवित्री का शुद्ध रूप जो है वो वही है। जैसे कि हाँ, विजेता मैम ने आपको बोला कि समावेशी कक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए, तो जैसे कि आपने कहा कि आप महसूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी बच्चे को लो फील नहीं कराना है। मैं अगर समावेशी कक्षा में पढ़ा रही होंगी तो मेरा पहला कदम ये होगा कि अगर मैं बच्चे समावेशी कक्षा में पढ़ा रही हूँ, एक बार मैं टहलते हुए उस बच्चे के पास जरूर जाऊंगी, उसके कंधे पे या उसके हाथ से कोई पेन लेके, या उसको अपने हाथ से पेन पकड़ाऊंगी, तो बच्चे को अच्छा ऐसा लगेगा, अच्छा मैम तो हमारे ऊपर ध्यान दे रही है। आपने बच्चे के ऊपर ध्यान भी दे लिया, अन्य बच्चों के सामने उसे मतलब लो भी फील नहीं करना पड़ा, है ना, और आप भी खुश हो जाएं। कहीं ना कहीं सबसे जरूरी होता है ना अपना सेटिस्फेक्शन, कि हमने कुछ कक्षा में आज प्रोडक्टिव किया। तो मैं अगर होंगी तो मैं उस बच्चे के पास चल के जाऊंगी। दृष्टिबाधित छात्र अगर हैं, कोशिश करिए कि उनको आप सबसे आगे ही बिठाइए, तीन या चार रो, कहीं कहीं चार रो भी होती है क्लास में, आप उनमें से कोई भी एक रो में बिठा सकती हैं। क्लास में जाते समय ना, कक्षा में सबसे पहले हम जाएंगे तो गुड मॉर्निंग बच्चों, या कैसे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत कॉमन है। आप क्रिएटिव हैं, थोड़ा सा और सोचिए कि आप कक्षा में जाते समय क्या कर सकते हैं। मैं तो मेरा बच्चों के साथ, मैं 6B की क्लास टीचर थी, इस साल फर्स्ट पीरियड मेरा वही होता था। हफ्ते में मुझे लगता है कि दो दिन तो हम अपना नाश्ता ही डिस्कस कर लेते थे, पहले के दो तीन मिनट आपकी पूरी कक्षा निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी पूरी कक्षा कैसी चलेगी उस समय। मेरी क्लास में 7 से 8 बच्चे इतने शैतान हैं कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आप सिर्फ बच्चों को दीजिए। कक्षा में पढ़ाते समय जब मैम ने आप या सर ने आपको बोला कि वचन पढ़ाइए, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने ही बोला कि अच्छा ये एक वचन है, ये बहुवचन है। कोशिश करिए कि आप ये जो उत्तर हैं बच्चों से निकलवाइए, है ना, एक वचन बहुवचन। फिर बच्चों से भी पूछिए कि ठीक है, आप वचन से संबंधित प्रश्न आप मुझसे पूछिए। पढ़ाते पढ़ाते मेरा तो ये होता है, अच्छे पढ़ाते पढ़ाते मैं तो भूल गई वचन क्या होता है। एक काम करो, आप लोग मुझसे प्रश्न पूछो, मैं उत्तर बताने की कोशिश करूंगी। तो बच्चे की जो एक अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका सिर्फ ये नहीं होता कि वो सटाक से उत्तर दें, ये भी होता है कि वो कितनी जल्दी प्रश्न बना लेते हैं। तो बच्चों से प्रश्न बनवाने की भी कोशिश कीजिए। और अच्छी बातें ये हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस सच में बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास झलक रहा है, पेडागोजी की नॉलेज भी आपकी अच्छी है। बस थोड़ा सा ये जो पॉज बीच में, सच में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि अखर गया, धर्मनारायण सर ने कहा, मुझे भी बहुत, एक बार को तो मुझे अपना नेटवर्क चेक करना पड़ा कि अच्छा नेटवर्क चला गया है शायद मेरा। तो बस ये है थोड़ा सा, बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, स्माइल रखिए चेहरे पे, बराबर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, स्माइल फ्री की है, दांत है हमारे, हम बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे, जब दांत नहीं होंगे हम तब भी मुस्कुराएंगे, है ना। तो घनश्याम सर, मोनिका मैम, ये मेरी सलाह थी कुछ, आप बिल्कुल आएंगी, केवीएस ज्वाइन करेंगी, हम कहीं ना कहीं किसी कोर्स में किसी ट्रेनिंग में जरूर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बिल्कुल, ऐसा मैं मतलब ईश्वर से मतलब प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद, और हम मतलब दुआ करती हूँ मैं कि हम जल्दी ही मिलें। जी शर्मा सर, ओवर टू यू। मिलेंगे वो जल्दी ही आप लोग, लेकिन वो आपको पहचानेंगे कैसे, वो तो ऐसे रश भी 1-2-3 दिखेंगे। चलो ज्योति मैम, मैम उससे मैं वॉइस की पहचान लेती हूं, मैं थोड़ी सी बिजी हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्योति मैम। जी सर, मोनिका मैम, जितने भी बिंदुओं पर अभी आपको सभी साथी शिक्षकों ने सलाह दी है, वो वही सेम बिंदु मेरे भी रहेंगे। थोड़ा एक मैं बताऊंगी, ब्लैक बोर्ड पर जाते हुए जो हम लिखते हैं उसकी पोजीशन आपको पता ही होगी, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें
किस एंगल पर खड़ा होना है जिससे कि सामने जो बैठे हुए हमारे जो टीचर है उनको दिखे, या फिर जब हम क्लास में जाएंगे तो बच्चों को क्लियर दिखे, क्योंकि अगर हम हमारी पोजीशन सही नहीं होती है, बच्चे भी क्लास में कहते हैं मैम थोड़ा साइड हट जाइए, मैम हमें दिख नहीं रहा है, होता है ना सर जी, मैम। थोड़ा उसकी पोजीशन का भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि आपने जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर दिया था। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप एक दो एग्जांपल और अच्छे दे सकते थे, जैसे कि आईसीटी के लिए एक टॉपिक था तो आप कोई टॉपिक ले सकते हो, जैसे कि काल हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी एक टॉपिक। मैं चाहती थी कि कोई टॉपिक को आप एक आइडिया देकर मुझे बताइए, ठीक है, थोड़ा और अच्छा होता। इसके अलावा आपके पास आपने बहुत अच्छे से सभी आंसर आत्मविश्वास के साथ दिया और स्माइल बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। मेरे पास यही है क्योंकि बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं सभी बोल चुके हैं और सभी ने काफी अच्छे से आपको समझाया है, तो हम आपको सब शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से ही इंटरव्यू क्लियर करें और आप हमारे साथ जुड़े, ठीक है मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सोनिया मैम आप भी एक दो लाइन कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, एक दो चीजें ही बतानी है। मैम आपने स्वरचित जो कविता सुनाई थी वह आपने कहीं लिखी हुई है क्या साइड में? सॉरी मैम, जो आपने कविता सुनाई थी स्वरचित वह आपने कहीं लिखी हुई है क्या साइड में? जी मैम। प्रयास कीजिएगा मैम कि आप उसे याद कर ले, एक ये चीज। और एक और बात मैम कि जैसे जब आप समावेशी शिक्षा के बारे में आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि उसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ असामान्य बच्चे भी होते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि असामान्य के स्थान पर आप विशिष्ट बच्चों बच्चे कहें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। और शुरू में आपसे कमजोरी आपने खुद ही बता दी, तो प्रयास कीजिएगा खुद से कमजोरी ना बताएं, और सीधा टॉपिक पर जाने से अच्छा है कि आप पहले बच्चों से उसके बारे में अगर बात करें और उसके बाद आप टॉपिक पर आए। जी मैम। और मैम लास्ट बात, जब आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के बाद आप जब बैठने के लिए आ रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसे आप क्लीन कर कर ही आए। जी मैम। धन्यवाद सर। सोनिया मैम, जी जी, सोनिया मैम खुद भी एक एस्पिरेंट है, तो सोनिया मैम आप भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि अपना ही कंपटीशन ना बढ़ाएं। आप अगर ऐसे गाइड कर देंगे मैम को तो वो आपके कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, मुझे भी तो सीखने को मिल रहा है इसी बहाने। अरे तो मोनिका मैम, सोनिया मैम खुद भी एस्पिरेंट है और उन्होंने जो वो चीजें बताई ना वो सारी वो देखेगी, जो बच गई वो भी मैं बता दूं ताकि मोनिका मैम का और अच्छा से भला हो जाए, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने छाट करके बताई। अभी सभी ने आपको शुभकामनाएं दे दी हैं। धन्यवाद सोनिया मैम जो आपने मुझे इतनी जी, क्योंकि वेलकम मैम। हाँ, हमारा ये सोनिया मैम हमारा प्रयास है कि अगले किसी इंटरव्यू में हम आपको भी लेकर आए, और आप जैसे भी सोनिया मैम पूछ रहे हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो आप भी आएंगे और आप सवाल भी पूछेंगे और ऐसे गाइड भी करेंगे निस्वार्थ होते हुए कि कोई बात नहीं उनका भला हो जाएगा, भगवान है ना सबका भला करेंगे। तो अभी मैं एक बार बता, जी सर, जी सर बिल्कुल मैम, अगर बात की जाए ना मार्क्स की तो जिस तरह से आपका साक्षात्कार गया है और सबका कहना भी यही है, इनडायरेक्टली सब यही कह रहे हैं कि 56 से 60 के करीब आपके नंबर अनुमान है, आप जब लिस्ट आएगी तब देख लीजिएगा ऐसा ही, और इससे तो बहुत बेटर होने वाला है आपका 56 से 60, मेरा अनुमान है ये, और ये सबका भी अनुमान है, हो सकता है 60 आउट ऑफ 60 आ जाए, और जहां जहां जो चीज बताई है ना वही चीज लिख रखी थी, तो अब वही चीज मैं तो रिपीट करूंगा, आपके गुण जो सबने बताए ना मैंने वो लिख लिए, मर्यादित ड्रेस, साहसी है, ये चीज मैं बता दूं कि मैम ने खुद ने मुझे कॉल किया कि सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, और जो टाइम था ना उस टाइम से आधे घंटे पहले, और मैम से ऐसा नहीं कि काफी दिनों से पहले बात हो रही है, अभी एक दो दिन पहले ही बात हुई थी और मैम तैयार थे, हालांकि मुझे डर लग रहा था कि पिछली बार भी हमारे साथ एक दो मैम आए थे, अभी भी मैम साथ हैं हमारे, तो फिर दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी ना, दो तीन चार घंटे लग गए थे शुरू होने में ही, तो मैं ही घबरा रहा था कि यार इतने सारे लोगों को मैं बुला लूंगा फिर कैसे क्या हो पाएगा, तो साहस भी है मैम में, साहसी भी है, संवेदनशील है, सृजनात्मक है, सकारात्मकता है, बहुत ही मेरे विचार से बहुत ही बढ़िया गया है साक्षात्कार, और भी बढ़िया जाएगा क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिल चुके हैं, आज्ञाकारी भी है,
एक चीज जो अखरी नहीं मुझे, नॉर्मल है, मैं खुद कक्षा में ऐसे ही प्रयोग करता हूँ, क्या पता उन लोगों को अखर जाए, आप और तुम। तो आपने तुम शब्द का प्रयोग किया, हालांकि गलत तो नहीं है, हम करते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी भी एक बड़े अधिकारी को अखर गया ना तुम और तो, कोशिश करिए आप बच्चों को आप शब्द का प्रयोग करें। बाकी जी सर, जो ज्यादा समय लेते हैं ना वही चीज है एक ऐसे, और नुक्कड़ नाटक के बारे में मतलब तुरंत बुद्धि जैसा आपने किया, और मैम लिख भी रहे हैं नीचे ना, तो मैं ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह की स्थिति जब भी आए ना तो बहुत ज्यादा सोच विचार करने की बजाय तुरंत अगर आप कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मुस्कुराहट के लिए बताया गया है, ये जो चीजें रिपीट की है ना ये प्लीज बना लीजिएगा ताकि 60 आउट ऑफ 60 ही हो जाए। हमने आपको शायद डेमो का बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, नेक्स्ट साक्षात्कार हम जब भी किन्हीं का करेंगे ना तो हम 30-30 वाला हिसाब रखेंगे, तो डेमो के लिए भी हम काफी टाइम देंगे उनको, आप आराम से पढ़ाइए। और अगर आप भी मोनिका मैम दोबारा अगर आना चाहें ना, इस बार आप कहें कि सर प्लीज मेरा डेमो पे फोकस जी सर, क्योंकि इस बार डेमो बहुत कम टाइम का हुआ तो आपका डेमो पे ही फोकस रहेगा इस बार। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, धर्मनारायण सर के बारे में और बाकी मेरी टीम के बारे में मैं एक दो चीज और बता देता हूँ कि हमारे ये सारे ही टीचर बहुत क्वालिफाइड है, और जो केवी में या नवोदय में या गवर्नमेंट नहीं है ना वो भी बहुत क्वालिफाइड है। आपने सोनिया मैम के सवाल देखे, तुरंत सूचना मिली है भानु मैम को, और तुरंत सूचना मिली है स्नेहा मैम और गीता मैम को, तो ये भी साक्षात्कार देंगे और बहुत क्वालिफाइड है। अभी अगर समय रहा तो हम अभी भी इनका साक्षात्कार कर लेंगे, और बाकी विजेता मैम, रश्मि मैम, ज्योति मैम हमारे केंद्रीय विद्यालय से ही है। और धर्मनारायण सर के बारे में मैं थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ, पीजीटी हिंदी थे पहले, उसके बाद सर पीजीटी हिंदी हुए तो रैंक 1 से वो पीजीटी हिंदी हुए थे केंद्रीय विद्यालय में ही, और कुछ ही समय बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो उनकी राय और बाकी जो भी क्वालिफाइड लोग हैं सारे लोग हम लोग बहुत महत्वपूर्ण रह जाएंगी अगर उन पर आप अमल लेकर आएंगे। तो विजेता मैम की बात मैं दोहरा देता हूँ। जी सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से मुझे इतना कुछ जानने को मिला कि मैं अपने आप में ये सुधार कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी सुझाव है ताकि मैं अपना केवीएस का इंटरव्यू अच्छे से कर पाऊं। और साथ ही मैं ये जो मैम ने लिखा है ना मैं एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ सुन ही रहे होंगे ना यूट्यूब पर बाद में, तो शाम पट को दो भागों में बांट लीजिए, फिर दाईं ओर पहले लिखिए उसके बाद बाईं ओर, तो सभी बच्चों को बोर्ड पर दिखता रहेगा। ये सुझाव था विजेता मैडम की तरफ से। आपके मैम शंकाएं सवाल कुछ है, आप कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं ना। जी सर, जो मुझे जानना था वो आप सबने मुझे बता दिया है, तो सर अभी तो कोई शंका नहीं है, तो मैं उसी पर प्रयास करूंगी सुधारने में। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैम, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।